सब लोग ऑल द वे फ्रॉम भाट वैराकंड चुके हुए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एक सनसेट पॉइंट पे, वहां से सनसेट एकदम मस्त दिखता है सामने। खिलाड़ों का पार्ट दिखता है ऊपर है गाइस, इससे थोड़ा सा ऊपर, बस वहां नीचे से आए हम। ब्लॉग स्टार्ट करना तो भूल गए थे। अभी यहाँ दिखते साइड में अभी मार को हुस दिख रहा है गाइस। वो नीचे आ जल्दी, मोर दिख रहा है, जल्दी आ, पत्थर फटना कमे। भाई साहब गजब गया कैमरे से गया। ओ भाई साहब गजब कहाँ गया? मोर स्पॉटेड हो चुका है भाई। मोर माने तो पीकॉक चले गया भाई। बंदर भी था, कितना मस्त मोर दिख रहा था हमारे को वीडियो में, पता नहीं कितना दिखा, पर हमारी आंखें बहुत बढ़िया थी। 576 मेगापिक्सल होता है, कितनी होती है हमारे को दिखा, बढ़िया था मस्त। फोन में जितना कैप्चर हो गया उतना हम आपको दिखा देंगे। अभी हम चलते थोड़े और पहुँचने वाले हैं, हम अपने कितने और पहुँच गए। इसको बोलते हैं गाइस बाहर, ये खेत कूदते हैं थोड़े बहुत अपने। अभी देख रहे हैं तो पता लग रहा हमारे कौन होना बराबर। इधर ही हम देखें, चलते हैं गाइस थोड़े से ऊपर, वहाँ से सनसेट दिखाएंगे आपको जल्दी। चलो सनसेट पॉइंट पे बस पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये हमने बनाया हुआ था गर्मी के टाइम में, जैसे धूप धाप लगती है तो छत पे डाला था, पर अभी थोड़ा गिर गया है, दोबारा से बनाएंगे इसको। गर्मी के टाइम में अभी तो धूप सेकते थे बढ़िया सर्दियों में। चलते हैं गाइस थोड़े से ऊपर, बस यहाँ थोड़े ऊपर से दिखाएंगे आपको, सामने सनसेट होगा अभी दिखा रहे हैं आपको। को भी बचाना पड़ेगा, साइड से आना पड़ेगा, और रास्ता भी नहीं है तो भीड़ से चढ़ना पड़ेगा, भीड़। ओ गाइस गिरने वाला हूँ। 1 2 3 तो गाइस ऐसे करके बहुत सारे खेतों में पार करने और बिल्कुल ऊपर पहुँचने। अभी चलिए गाइस चलते हैं बीच से। गाइस हम सनसेट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक पेड़ है बहुत खूबसूरत सा, जिसने बहुत अच्छी सी फ्रेम बना रखी है सनसेट के लिए, और इतने नीचे बहुत सारे खेत थे जिनको पार करके हम आए हैं। अभी हमारा कैमरा एकदम स्टेबल लगा चुके हैं हम, तो हम आपको नहीं दिखा सकते अभी, तो सनसेट कैप्चर कर रहे होते हुए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वहीं पे, बस इसका टाइम लैप्स बनाते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं। तब तक 5-10 मिनट हम भी बैठते हैं यहाँ पे, करते हैं सनसेट को एंजॉय। सो गाइस अभी दादा और हम आ चुके हैं गाय को गोबर लेके फेंकने इसको, और हमारे कैमरा मैन देखो क्या कैसे बैठे हैं, टाइम लैप्स बनाने भाई। ट्राइपॉड है नहीं आज, और मैंने ट्राइपॉड के आगे था ये वैसे। और ये अम्मा जी चले आज ऊपर, चल ले चलते आप उसके पास, यहाँ हुआ चल पड़ी। और हमारे बाल भी ऐसे हो चुके आज, और अपना बंदा दादा में चल गए आई गोबर को फेंक के, तो हम भी करेंगे आई इसको कैप्चर पीछे सेट को, और फिर चलेंगे घर। तो गाइज आपके लिए बेस्ट टाइम लैप्स निकालने के लिए हमने 2 फ्रेम में सेट किए, और एक अपना आप बैठा है बंदा, और दूसरा बताता है आपको नीचे नीचे जाना पड़ेगा। दूसरी फ्रेम भाई है भाई, तो सामने हो रहा है सनसेट क्या, चलेगा देखता हूँ मैं इस देव कैसे बैठा है बेचारा एक फ्रेम लेके। अब यहाँ आओ चलिए, और बढ़िया है भाई पौधे छोटे छोटे, बढ़िया भी एंजॉय कर रहे हैं को, और हम भी शीघ्र गति से अस्त हो जाइए। गाइस फाइनली सनसेट होने वाला है। You in my sight, I keep all the words you said to me, I'll get you on your knees, rewind.
गाइस मेरी हो चुकी थी अति तो मैंने कर दी अपनी फ्रेम बंद, हालांकि सनसेट यहाँ पे अब हो ही गया है तो लगभग हमारा टाइम लैप्स तो बन ही गया। और उदय भाई पूरा एंजॉय कर रहे थे, बढ़िया हवा चली गई यहाँ पे, बातचीत लहर आ रहे हैं। और हमारे को बना दिया गया था एक ट्राईपॉड, जीता जागता ट्राईपॉड। बस सनसेट हो गया भाई, अब हम भी चलते हैं घर की तरफ, उस तरफ से रास्ता बिल्कुल टॉप में आए थे हम। और उदय भाई यहाँ पे खामोश बैठे हुए, क्या खामोश भाई बोल कुछ गाना गुना गा दे सनसेट पे। तो गाइस देखा आपने, सनसेट हो चुका है और अब ठंड ठंडी हवा चल पड़ी है, क्योंकि जैसे ही धूप डलती है यहाँ पे ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो उदय भाई तो यहाँ पे बढ़िया अपने आनंद ले रहे थे आराम से, और मार को बना दिया था ट्राईपॉड। बहुत मेहनत लगी मार को, उदय भाई के चैनल पे क्रिएटिव क्रिएटिव काम मार्च कराते रहते हैं, अभी आज ट्राईपॉड बना दिया, कल सेल्फी स्टिक पता नहीं क्या क्या बना दिया। अरे अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उदय भाई बहुत गच हो गए, देखो गाइस गच हो रहा है अभी भी, गुस्से यार। चलो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, रखना सभी अपना ध्यान, ओके बाय।